नमस्कार दोस्तों, विशाल वेट सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है गर्मियों में अपने डॉग को कैसे रखें, किन चीज़ों का आप ध्यान रख के अपने डॉग को गर्मियों में बचा सकते हैं बीमार होने से। बहुत सारी आप गलतियां करते हैं, उन चीज़ों से बचिए। इस पूरी वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, लास्ट में आपको डाइट प्लान भी बताया जाएगा कि क्या डाइट आपको अपने डॉग को देनी है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे आपका डॉग बीमारी से बचा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने डॉग को सुबह और शाम नहलाएं, दिन में बिल्कुल ना नहलाएं। अगर आपको सुबह नहला रहे हो तो 9 बजे से पहले नहलाएं, अगर आप शाम को नहला रहे हो तो 6 बजे के बाद नहलाएं। दिन में आप अपने डॉग को बिल्कुल ना नहलाएं। दूसरी जो गलती करते हैं, हम अपने डॉग को घर के दरवाजे पे बांध देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एसी लगा होता है, एसी की जो हीट होती है, जो गर्म हवा फेंकते हैं, वो हमारे डॉग को लगती रहती है, जिससे हमारा डॉग हीट स्ट्रोक में आ जाता है। वो और भी ज़्यादा हाँफने लगता है, मुंह से लार डालने लगता है। तो ऐसी जगह बांधे जहाँ पे उसके ऊपर फैन चल रहा हो, एसी की पिछली हवा से बचे, और थोड़ी कूलिंग से एरिया में जहाँ पे आपको लगे कि ये ठंडा कमरा है, तो उसमें अपने डॉग को बांध दें। तो चलिए दोस्तों, अब हम जाते हैं डाइट प्लान पे। अपने डॉग को हमें इस गर्मियों में क्या डाइट देनी है। स्टार्टर फूड, डॉग फूड और डाइट फूड जो आप अपने डॉग को दे रहे हैं वो चालू रखिए, गर्मियों में बंद मत कीजिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, वो उन्हें आप लस्सी में या फिर दही मिलाकर दें, बहुत ज्यादा फायदा करेगा दोस्तों इस चीज को अगर आप ध्यान रखोगे तो। अपने डॉग को आप गर्मियों में वेजिटेबल खिला सकते हैं, जैसे कि आप गाजर खिला सकते हैं, टमाटर खिला सकते हैं, धनिया खिला सकते हैं। अगर वो ये चीज़ें खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके डॉग के लिए गर्मियों में। तीसरी चीज़ का डाइट प्लान में आपने ध्यान रखना, अपने डॉग के पास पानी जरूर रखना है हर टाइम, मतलब कि 24/7 हर टाइम आपके डॉग के पास पानी होना चाहिए, साफ पानी। वह दिन में उस पानी को 2 बार जरूर बदले। कई बार ऐसा होता है सुबह पानी रख देते और शाम तक वही पानी होता है, वो दिन में इतना गर्म हो जाता है जो डॉग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चौथी चीज़ आपको डाइट प्लान में ध्यान रखना है, अपने डॉग को आप मल्टीग्रेन रोटियां खिलाएं। जैसे कि आप एक काम कीजिए, गेहूं ले लीजिए, थोड़ा सा तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना, अपने डॉग को आप चौथी चीज़ का आपको ध्यान रखना, अपने डॉग को आप मल्टीग्रेन रोटियां खिलाएं। जैसे कि आप एक काम कीजिए, गेहूं ले लीजिए, थोड़ी दाल ले लीजिए, दोनों चीज़ों को अगर आप मिक्स करके रोटी बना रहे हो तो वो उसके आपके डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। पांचवी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपने डॉग के फूड में आप एक फ्रूट ऐड कर दीजिए। अगर आपका डॉग कोई भी फ्रूट खाता है, जैसे कि आप बनाना दे सकते हो, मैंगो दे सकते हो, ऑरेंज दे सकते हो, वाटरमेलन दे सकते हो, ये 4 फूड ऐसे हैं जो गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद है। अगर इनमें से एक भी फूड आपका डॉग अगर खा रहा है तो आप प्लीज़ उसे एक दिन में एक बार एक फूड जरूर दीजिए। एक आप फैट वाली चीज़ें बिल्कुल कम कर दीजिए, क्योंकि फैट वाली चीज़ के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको पाचन करने के लिए। तो फैट वाली चीज़ों को आप इस टाइम बंद कर सकते हो, जैसे कि आप अगर एग दे रहे हो तो एग आप बंद कर दीजिए इन गर्मियों में, मीट दे रहे हो तो मीट भी आप बंद कर दीजिए। इनसे और भी ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से डॉग आपका, ये मत सोचिए कि आपका डॉग इससे हेल्थी होगा, आपका डॉग बीमार होने जा रहा है। अगर आप ये चीज़ें आप रेगुलर उन्हें दे रहे तो बिल्कुल वो बीमार हो जाएगा। तो आप अगर देना ही चाहते हो तो वीक में सिर्फ एक ही डे दीजिए, और ध्यान रखिए जिस दिन आप वो दे उस दिन लस्सी कम से कम दिन में 500 ml लस्सी उसको जरूर पिलाए, और अगर आप मीट या फिर एग वगैरह कुछ भी उसको दे रहे हो तो शाम को दीजिए। ये जो आपको डाइट प्लान बताया ये सभी ब्रीडों के लिए है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम अपने डॉग को गर्मियों में भी डीवॉर्मिंग करवा सकते हो? जी हाँ, डीवॉर्मिंग अपने डॉग्स को, आप गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपको डीवॉर्मिंग जरूर करवानी है। डीवॉर्मिंग आपका बड़ा डॉग है या छोटा डॉग है, हमेशा आप ध्यान रखिए हर तीसरे महीने में, अपना लिख लीजिए भाई इस महीने में मैंने दिया, तीसरा महीना आते ही उसकी डीवॉर्मिंग करवा दीजिए। 2-3 चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे, वो चीज़ें आप बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। एक तो मल्टीविटामिन, एक डीवॉर्मिंग और तीसरा लीवर टॉनिक। जैसा कि आपको पता है गर्मियों में लीवर पर असर बहुत ज़्यादा होता है, तो लीवर टॉनिक भी आप हफ्ते में 2 या 3 बार अपने डॉग को जरूर दीजिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपका डॉग कभी भी गर्मियों में बीमार नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपके
क्वेश्चन माइंड में घूम रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतरीन होगी, जिस जिस भाई के पास डॉग्स हैं जो चाहते हैं कि भाई गर्मियों से सॉल्यूशन मिले उनके डॉग को, तो आप उनके पास ये वीडियो सेंड कर सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।